स्टूडेंट्स, मैं हूँ आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, हम कर रहे हैं 2019 में आए पेपर का सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 9, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट नहीं किया था स्टूडेंट्स, वो है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, स्टूडेंट होल्डिंग ए मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द शीट ऑफ ए पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। इसमें आपसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक मिरर ले रखा है हाथ में, और उसकी जो सनरेज है वो डायरेक्ट मिरर पे पड़ रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक पेपर पे पड़ रही है। तो आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर। उस पेपर को बर्न करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए, ये आंसर है इसका। होल्ड अ शीट ऑफ ए पेपर एट द फोकस कॉज टू इट टू बर्न। जो मिरर होगा उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा और एक ही पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, बर्न होगा पेपर, ठीक है। तो ये था आपका एक नंबर का, तो एक नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर आपसे पूछा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मिरर है तो सन से रेज आ रही है और एक जगह फोकस कर रही है, तो कौन सा होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो इसलिए उसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका हो गया फर्स्ट। फिर आपसे पूछा है कि क्या वो फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल फोकल लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैन बी डिटरमाइन बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्क्रीन। मिरर और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप आसानी से उससे पता पड़ जाएगा हमें। और आपसे इसमें डायग्राम भी बनवा रहा है, तो डायग्राम तो बहुत ईजी बनेगा स्टूडेंट। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सन की रेज इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ जाएंगी, ये एफ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एफ पर जाएगी। एरो बनाना था, एक और बना दो, यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है, एफ पर जा रही है, फोकस पे रखना पड़ेगा हमें। तो यही आपका क्या होगा, फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से और यहाँ तक। ये पोल है, पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। बस ये डायग्राम आपको बनाना था और ये आप इसी के आपको 3 मार्क्स मिल लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाते हैं, ये हाफ मार्क्स का होगा और ये हाफ मार्क्स का होगा, इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा आज, और जल्द से जल्द मैं आपको पीडीएफ भी इसकी दे दूंगा आपको, ओके। पीडीएफ भी, तो पीडीएफ बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं पीडीएफ आपको ज़रूर दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है, एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा पार्ट है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन इन वास्कुलर प्लांट्स मींस द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सम मिनरल्स आयंस, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसलोकेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स आयंस का जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। आपसे पूछा है क्यों एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के लिए इसलिए एसेंशियल है स्टूडेंट्स, क्योंकि इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बाय ट्रांसफॉर्मिंग CO2 एंड H2O। CO2 और H2O ट्रांसफॉर्म करके ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये था इसका ए वाला पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। बी पार्ट में आपसे पूछा है, वेयर डू सब्सटेंस इन प्लांट्स रीच एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। जब ट्रांसलोकेशन होता है तो सब्सटेंस कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसलोकेटेड टू रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड डेवलपिंग लीव्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं, रूट्स तक पहुंचाए जाते हैं, फ्लावर्स तक पहुंचाए जाते हैं, स्टेम्स तक पहुंचाए जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है स्टूडेंट्स, लिस्ट 3 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो क्या डिसएडवांटेज है इसके, फर्स्ट है आपके पास एयर पॉल्यूशन जो है, इससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसके बारे में आपको एक लाइन लिखनी थी, आपको आता ही एयर पॉल्यूशन क्या होता है। सेकेंड है बर्निंग पेट्रोल, जब भी अपन पेट्रोल और कोल को बर्न करते हैं या डीजल को बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैस रिलीज होती है, जस्ट लाइक दैट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और थर्ड पूछ, एक और तीन पूछा है, तो थर्ड लिख सकते हो आप इसमें, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस
इफेक्ट भी इसी से ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपसे इसमें आगे और क्वेश्चन है 10 के अंदर ही कि सजेस्ट 3 स्टेप्स टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द वेरियस एनर्जी सोर्सेज। तीन ऐसे स्टेप्स बताओ जिससे कि जो पॉल्यूशन हो वो मिनिमाइज हो जाए। फर्स्ट तो यही है कि आपको क्या करना है, जो पेट्रोल और डीजल है इसका कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे कि एसी हो गया, ठीक है, एसी वगैरह ये आपको कम चलाना है या ज़रूरत के हिसाब से चलाना है, ठीक है। और थर्ड इसमें इस वाले क्वेश्चन में आप थर्ड लिख सकते हो स्टूडेंट कि जितने ज़्यादा आप प्लांटिंग करोगे उतना ज़्यादा ही आपको जो है फ़ायदा होगा, मतलब जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इसका आंसर हो सकता है। तो कौन कौन से तीन स्टेप्स स्टूडेंट्स इसके आंसर नंबर 10 के। फर्स्ट है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, यानी कंज्यूम लेस और कंजर्व मोर, ठीक है। कम कंज्यूम करो, फालतू पेट्रोल मत जलाओ, डीजल मत जलाओ, है ना। अगर आप कहीं पैदल जा सकते हो तो जाओ, तो यही इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ये तीन स्टेप्स आपको लिखने थे, कंज्यूम, मैं पढ़ के बताता हूँ, कंज्यूम लेस, कंजर्व मोर, ठीक है, यूज सीएनजी, नेचुरल गैसेस आप यूज़ कर सकते हो, और प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन एट हायर लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर क्या करती है स्टूडेंट्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज टू शील्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो होती है ऑफ द सन एंड कीप द अर्थ वार्म, अर्थ को वार्म रखती है और अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है, सम ऑफ द ऑटो एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन एलिमेंट्स एब्जॉर्ब यूवी रेज, वो किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्प्लिट टू फॉर्म सिंगल एटम्स, और किस में स्प्लिट हो जाता है, सिंगल एटम्स में वो स्प्लिट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है सिंगल एटम्स से स्प्लिट हो जाती है। फिर वो जो सिंगल एटम्स होते हैं अगेन जो रिमेनिंग कार्बन रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है उससे ऐड हो जाती है और बना लेती है O3, और O3 होता है फॉर्म, किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है। आगे बात समझ में, तो ये जो एटम्स होते हैं जो सिंगल एटम्स में चेंज हो जाते हैं वो O2 से वापस से ऐड हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन से ऐड हो जाते हैं और वापस से क्या बना लेते हैं, O3 ओजोन लेयर बना लेते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेम द सिंथेटिक केमिकल मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर, है ना। मतलब ओजोन को जो कम कर देती है या उसका इफेक्ट कम कर देती है ऐसे केमिकल का नाम बताओ, तो केमिकल का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द सिंथेटिक केमिकल, वो सिंथेटिक केमिकल है। फिर आपसे पूछ रहा है, हाउ कैन द यूज ऑफ दीज केमिकल्स बी रिड्यूस्ड, कैसे हम इस केमिकल का यूज जो है कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय मेंटेनेंस ऑफ एसी रेफ्रिजरेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो CFC निकलती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है वो एसी से निकलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप पूरे साल अगर एसी चलाते हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। तो एसी से बहुत ज़्यादा CFC निकलती है और रेफ्रिजरेटर से भी CFC निकलती है, ठीक है। तो उसका हमें मेंटेनेंस रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो लीकेज कर रहा हो तो एनवायरनमेंट के अंदर बराबर क्या जाती रहेगी, CFC जाती रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखना था, हो सकता है ये लास्ट वाले में आपका आंसर मिसमैच हो रहा हो, जरूरी नहीं है आप ये पॉइंट्स लिखो, और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, आप कोई से पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।